वैक्सीनेशन आखिर क्या दिक्कत आ रही है? केंद्र सरकार से डेटा मांगो तो कहते हैं राज्यों के पास इतनी डोज पड़ी हुई है, राज्य कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है वैक्सीन, हम लगा नहीं सकते। देखिए वैक्सीनेशन की रफ्तार पर ब्रेक कैसे आपको हम समझाएं, ये आप देखिए कैसे देश में लगातार वैक्सीनेशन जो एक समय हमने 30 लाख से ऊपर का आंकड़ा छुआ था, अब वो 12-13 लाख के आसपास सिमट गया है। 17 से लेकर 21 मई तक के आंकड़े देखिए, 13 लाख डोज 17 मई को लगाई गई, 18 मई को 12 लाख, 19 मई को 12 लाख से भी कम, 20 मई को 14,82,000 और 21 मई को 15,58,000। लेकिन अगर यही रफ्तार रही तो पूरे देश में 70% आबादी को ही वैक्सीनेट करने में आपको सालों लग जाएंगे, ये एक्सपर्ट्स मानते हैं। 15 से 21 मई के बीच 78 लाख डोज देश में दी गई हैं और ये वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी है, क्योंकि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि 60 लाख डोज एक दिन में देंगे आप तो आप बहुत तेजी से वैक्सीनेट कर पाएंगे अपने लोगों को। 8 से 14 मई के बीच 1,28,00,000 डोज लगाई गई है, 8 से 14 मई के बीच। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये स्पीड कम हो रही है। अब देखिए थोड़ा और पीछे जाएंगे, 1 से 7 मई के बीच तो ये 1,21,00,000 डोज है, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वैक्सीन नहीं है। 3 से 9 अप्रैल के बीच, जब उस समय जब शुरुआत में था, शुरुआत थी क्योंकि आम लोगों के लिए तब ज्यादा वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ था, तब आप देखिए 2,47,00,000 करीब करीब 2.5 करोड़ डोज लोगों को लगाई गई थी। विक्रम सर, मैंने कहा था कि मैं डेटा दिखा के आपके पास आऊंगा, विक्रम सर क्या समझ में आता है? आप तो सर एडमिनिस्ट्रेशन में भी रह चुके हैं ना, आपको समझ में आता है कि कैसे ब्यूरोक्रेसी काम करती है, कैसे सरकारें काम करती हैं, किसको जिम्मेदार ठहराएं सर इसके लिए? गौरव जी, ये युद्ध की स्थिति है और जितने भारतीय मारे गए हैं इस संक्रमण से, वो समस्त युद्ध जो हमने लड़े हैं आज तक 1857 से लेके आज तक, उससे कहीं 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 ज्यादा है। ये मौका राजनीति आरोप प्रत्यारोप का नहीं था, पूरा राष्ट्र एकजुट से अगर इस युद्ध का सामना करता तो एक बेहतर प्रदर्शन होता, लेकिन हम राजनीति के अवसर चूकते नहीं हैं और इसमें भी हम राजनीति के अवसर से चूक नहीं रहे हैं। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, मेरा कोई राजनीतिक झुकाव नहीं है, लेकिन मैं प्रत्येक राजनीतिक दल को दोष दे रहा हूं कि जहां पर आप चाहते, अरे हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन रहे हैं, विश्व के सुपर पावर हैं, हम तो एक्सपोर्ट कर रहे थे, आज क्या हो गया कि हमारी जेबें खाली हो गई? जेबें खाली नहीं हुई गौरव जी, देश जवाब चाहता है कि अब तक अगर इतने सरप्लस थे कि आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब लेना देना आदान प्रदान इंटरनेशनल टेंडर क्यों नहीं बनाए और कंपनियों को आपने लाइसेंस क्यों नहीं दिए? अगर इकबाल सिंह चहल बीएमसी में एक क्रांति ला सकते हैं, एक डीएम और महाराष्ट्र में क्रांति ला के ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकता है, तो क्या केंद्र और राज्य सरकार? मैं इसमें एक्सपर्ट्स को भी जोड़ना चाहूंगा और मैं ब्लैक फंगस को जोड़ूंगा इससे। क्या आपको लगता है यहाँ पर डॉक्टर कोचर कि अगर लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट कर दिया जाए या कर दिया गया होता और लोगों को, तो और उनको अगर सीवियर कोरोना ना होता, अगर हो भी जाता तो, वैसे भी वैक्सीनेशन की वैक्सीन लिए हुए लोगों का परसेंटेज कम है कोरोना होने का, तो क्या ब्लैक फंगस के केस भी कम होते देश में? डेफिनेटली कोविड के साथ साथ जो महामारी ब्लैक फंगस की आई है ये उसके उसके कारण आई है, तो जो चीज कोविड से बचाएगा वो ऑब्वियसली उसके फर्दर ट्रिगर्स को भी बचाएगा। और ये देखिए अब हमारी थर्ड वेव की जहाँ बात हो रही थी बच्चों को इन्वॉल्व करने, जहाँ बच्चों को डर हो रहा था कि कहीं उनको इन्वॉल्व ना करें, यहाँ तो हम बात करें कि 18 साल से ऊपर को भी वैक्सीन मिल रही, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर हमने सही समय पर सही लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया तो। देखिए ब्लैक फंगस भी इससे बच सकते थे अगर लोगों को टाइम से वैक्सीनेट हम कर देते। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।